जवाबदेही आपका पहुंच गया बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट पर, लेकिन कोविड की गाइडलाइन को पालना हमें करनी होगी। तो निम्न स्तर पर बड़ी भीड़ भड़क नहीं होगा, कम जनसंख्या में हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया है। एक छोटी रैली जो है वो निकाली है, तो आप देखिए बहुत सारा दृश्य है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे बूंदी में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नहीं साहब यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हाई हल्ला नहीं कर सकते, गीत नहीं गा सकते। ये कैसी अर्थव्यवस्था है, कोविड चल रहा है लेकिन दूर दूर से सब लोग सब कोविड पालना कर रहे हैं, दूर बैठे हैं सभी कार्यक्रम। तो जवाबदेही यात्रा जिला मुख्यालय बूंदी में पहुंची है और कल ये यात्रा जो है कोटा पहुंचने वाली है, और लगातार ये पूरा ज्ञापन का दौर चल रहा है। आप देखिए कि कोविड को चलते हुए यात्रा जो है स्थगित की गई है, कल कोटा में प्रेस वार्ता के बाद ये यात्रा स्थगित कर दी जाएगी, सभी यात्री अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में 10-12 जिलों से भी ज़्यादा ये सफलताएं जो है वो मिली है। तो साथियों जवाबदेही कानून एक आंदोलन चलाया जा रहा था, लेकिन प्रचंड सर्दी और ऊपर से मौसम का खराब होना और कोविड का बढ़ना कहीं ना कहीं यात्राओं को संदेश नहीं दे रहा है। यात्रा तो निकलना चाहती है लेकिन जन समर्थन जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है, तो इसमें जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। इसीलिए इस यात्रा को स्थगित किया गया है और आगे जैसे हालात ठीक होते हैं और इस यात्रा को पुनः शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा कि जिन जिन जिलों में समर्थन हुआ है वहाँ वहाँ जिलों की बहुत ही गजब की रैलियाँ हुई है और बहुत ही अच्छी जनभागीदारी रही है। और इस बार भी ये हम लोगों ने निम्न स्तर पर ये कार्यक्रम रखा है और मात्र रैली के माध्यम से और यहाँ थोड़ी सी विचारिक गोष्ठी होगी, विचारों को रखा जाएंगे और विचार के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। तो आप देखें जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के बाद भी तो करने के लिए वो पूरा समर्थन नहीं मिला है, प्रशासन सख्त हो चुका है, कोविड गाइडलाइन जो है वो आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अपना पालन करना है। और हम भी चाहते हैं कि ये जो कोविड है बढ़े नहीं, तो हम भी इसको पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं।